वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सात संगत जी, आज दा दिन सिख इतिहास दा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर दे किले विचों, गढ़ी विचों निकल के पंजा प्यारियां दे हुक्म नू मन के जदों चमकौर दी गढ़ी विचों निकले तां सब तो पहला जदों उन्हां ने पहला पड़ा कीता तां उन्हां ने एक अजेही जगह ते कीता जिहड़ा कि चमकौर साहिब तों लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर एक पिंड सी। उत्थे क्यों कीता पहला पड़ा? क्योंकि उत्थे उन्हां दी एक बच्ची रहिंदी सी जिस दा नाम सी बहादुर शरण कौर। गुरु साहिब शरण कौर जी नूं मिलण लई स्पैशल उत्थे गए क्योंकि उन्हां नूं अपनी बच्ची उत्ते विश्वास सी कि मैं जो इहदी ड्यूटी लगावांगा ये बाखूबी निभा सकती है। वो उत्थे गए तो उन्होंने शरण कौर जी की ड्यूटी लगाई कि जो सिंह अते दो वड्डे साहिबजादे चमकौर साहिब दी गढ़ी दे विच जिहड़ी असामी युद्ध होई सी उहदे विचों शहीद होए सन उन्हां दियां देहां दा संस्कार करना अजे बाकी सी। अंतम संस्कार गुरमत रौ रीत दे मुताबक करना बाकी सी। मुगलां ने अपने जो फौजी उन्हां दे मरे सन उन्हां नूं तां उन्हां ने संभाल लिया सी, पर सिंघां दियां देहां अते साहिबजादियां दियां देहां जिहड़ियां है वो उत्थे ही पईयां सन जिथे कि अज कल गुरद्वारा कतलगढ़ साहिब सुशोभित है। ते इस ही मंत्र दे नाल मन दे विचों सोच के वो बहादुर शरण कौर जी नूं मिलण लई गए सन जिहड़ी कि चमकौर साहिब दे कोलों 2-3 किलोमीटर दूर एक पिंड है उत्थे रिहा करदी सी। जदों उन्हां ने उन्हां दे घर विच चरण पाए तां बहादुर शरण कौर अपनी माता समेत घर विच मौजूद सी। मावां धीआं बड़ियां खुश होईयां गुरु जी दे दर्शन करके, ते उन्हां ने गुरु जी दी शता शक्त सेवा कीती अते उन्हां नूं पुछया कि साडे लायक कोई सेवा होए तां दसो। तां गुरु जी ने शरण कौर दी ड्यूटी लगाई सी कि तूं जा के सिंघां अते साहिबजादियां दियां देहां दी संभाल करनी है। सात संगत जी, ज़रा सोचो, शरण कौर दी उम्र उस वेले 16 साल दी सी, जवान कुड़ी 16 साल दी। ते गुरु साहब नूं उस उत्ते पूरा विश्वास सी कि जिहड़ा ड्यूटी इस दी मैं लगा रहा हाँ वो बाखूबी कर सकती है, अते काम भी अजिहा जिहड़ा कि अंतम संस्कार दा जिहड़े कि 16 साल दे बच्चे नूं अजे अज कल जे असी नज़र मारी अपने घरां दे विच तां उहनां नूं इस दी गल दी सोझी भी नहीं हुंदी कि मौत की है ते अंतम संस्कार दा की मतलब है ते किवें करना है। ते माता कोलों सारा उसने रौ रीत पुछी कि किस तरह अंतम संस्कार किया जाता है अते फिर वो अपनी लगाई हुई ड्यूटी नूं करन वास्ते तैयार हो गई अते उसने भेस बदलिया अते वो पहुँच गई उत्थे जिथे सिंघां दियां देहां साहिबजादियां दियां देहां पईयां सन। उसने सारिया देहां नूं पहचान के इकट्ठा किया, अपने नालों माचिस लै के गई सी, उसने लकड़ां इकट्ठियां कीतियां ते उन्हें चिता दे लगाई तैयार की। ते फिर उसने पाठ करके जप जी साहिब दा ते उसने चिता नूं अग्नि दिखाई ते फिर जदों अग भांबड़ बल पए तां वो कोल चौंकड़ा मार के अखां बंद करके नाम सिमरन विच जुड़ गई। जिस वेले ये चल रहा सी एकदम चानन होया तां सारे जो मुगल आराम नाल सुते पए सी वो एकदम हड़बड़ा के उठे ते उस वेले दी जो दशा सी उस नूं मैं एक कविता दे रूप दे विच आप दे अग्गे पेश करन जा रही हाँ। है कि ए चानन के आ, है कि ए चानन के आ, रुशनाया गया है घुप हनेरा, अडियां चुक चुक जद मैं तकिया, नजरी आया नूरानी चेहरा। ही नजरी आया नूरानी चेहरा, चौंकड़ा मार एक औरत बैठी,
ਮੁੰਦੇ ਨੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਪਗੌਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨੀ ਚੁੱਪ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਆਵੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨੀ ਚੁੱਪ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਆਵੇ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਕੋਈ ਸੋਹਲਾ ਗਾਵੇ ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰੀਲੀ ਜੋ ਮਲਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕੀ ਦਿਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਵਾ ਇੱਕ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਕਨਕੌਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਕਨਕੌਰ ਔਰਤ ਜਾਤ ਕਦ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਜਾਤ ਕਦ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਇੱਥੇ ਜਦ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਤੱਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨਿਆਰਾ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨਿਆਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਮੁਗਲ ਕੋਈ ਸਾਵੇਂ ਟਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੁਗਲ ਕੋਈ ਸਾਵੇਂ ਟਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੱਥ ਹੀ ਮਲਦੇ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੱਥ ਹੀ ਮਲਦੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਲਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਲਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਲ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਉਸ 'ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਕਾਈ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਕਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ 'ਚ ਹੜਬੜ ਛਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਮੁਗਲਾਂ 'ਚ ਹੜਬੜ ਛਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਚੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਸ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਸ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਗੋਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਈ ਗੋਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਈ ਸਿੱਖੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਦਿਖਲਾਈ ਸਿੱਖੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਦਿਖਲਾਈ ਸਿੱਖੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਦਿਖਲਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।